तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक शीट से दूसरे शीट में डेटा कैसे भेजते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा फॉर्म, हालांकि ये फॉर्म नहीं है बट मान लीजिए एक फॉर्म है। इस फॉर्म में मेरे पास नेम है, सिटी है और अमाउंट है। मैं यहाँ एक बटन बनाऊंगा, अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो क्लिक करते ही डेटा एक शीट से दूसरे शीट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए, और ट्रांसफर भी ना हो, डेट टाइम आईडी जनरेट करे, जीएसटी कैलकुलेट कर ले अपने आप। तो चलिए इसके लिए माइक्रो बनाते हैं। तो डेवलपर, विजुअल बेसिक, वो पहले से माइक्रो इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ डबल स्क्रीन कर देता हूँ। डबल स्क्रीन में आपको दिखेगा कि क्या करूँ। हाँ हाँ सब्जेक्ट, हेलो सेंड नाम का माइक्रो बनाया। सबसे पहले जरूरत है आईडी क्रिएट करने की। आईडी कैसे क्रिएट करें, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं करूँगा कि मैक्स, हमें लगाएंगे फॉर्मूला मैक्स का, और जो इसमें पहले से मैक्सिमम वैल्यू है उसमें प्लस वन करके हम आईडी क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे जो भी नंबर होगा उसका ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम निकलता चला जाएगा। ठीक है, ओके तो इसके लिए क्या करें, क्योंकि तो मैक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं करता, नहीं है यहाँ पे, ये नहीं कर रहा है। और दूसरा, मैक्स का फॉर्मूला अगर सपोर्ट किया भी तो उसका रिजल्ट कहाँ डालेगा। तो एक वेरिएबल आईडी से नाम से ले लेते हैं, मान लेते हैं आईडी, और जो फॉर्मूला वीवी को डायरेक्ट सपोर्ट ना कर रहा हो उसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट डॉट फंक्शन लेते हैं। वापसी डॉट फंक्शन डॉट फॉर्मूला डालेंगे आगे जो है। मैक्स, और इसके अंदर डालेंगे शीट्स, शीट्स में डेटा, और उसके बाद रेंज, और रेंज होगा पूरा एक कॉलम। ठीक है, ओके ये हमारा हो गया। अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है, तो कैसे करें, तो मैं जाऊंगा डेटा शीट पे और ये यहाँ 65,000 रो पे जाऊंगा, यहाँ से कंट्रोल अप करूंगा और फिर ऑफसेट की मदद से एक रो नीचे आऊंगा। यही गलती आपने किया था। तो रेंज ए ओके 65,000 डॉट डॉट एंड, इसके बाद मैंने किया एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 इक्वल टू आईडी प्लस 1। लेकिन हमने शीट का नाम लगाना नहीं छोड़ दिया, इसमें लगेंगे शीट्स डेटा, समझे। यस यस अब इसमें हम यहां पे क्या करेंगे, कॉपी नीचे पेस्ट करें और यहां पे हम डालेंगे डेट। लेकिन ये क्योंकि ऑलरेडी मान लीजिए यहाँ पे 1 डल जाएगा, तो मैं ऊपर से नीचे की बराबर तरफ नहीं आऊंगा, मैं यहाँ ऑफसेट की तरफ आगे की तरफ करूंगा कॉलम पे। इस कॉलम में चेंज करेंगे ना। तो डेट डल जाएगी, फिर इसको कॉपी करते हैं टाइम के लिए, यहाँ 2, यहाँ मान लीजिए यहाँ डेट डल गई, तो फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऑफसेट 1,2,0,1,2, यहाँ पे 2 डालेंगे और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई यस यस दिक्कत इसमें। तो नो नो सर यहाँ पे डल जाएगा टाइम। अब नेम जो है वो फॉर्म शीट से उठाना, तो यहाँ हम कॉपी करते हैं और टाइम के यहाँ पे करते हैं 3, और टाइम के जगह पे करते हैं रेंज, और रेंज में हमारा है B3 डॉट वैल। ठीक है, ओके B3 डॉट वैल, B3 मतलब फॉर्म के अंदर, नहीं B नहीं, C है, माफ कीजिए। बड़ो वहां पे आपने को शीट फॉर्म शीट का रेफरेंस नहीं देना है क्या सर? देखिए अभी मैं प्रथम आने वाला था, देखिए इसके आगे हम जैसे इसके आगे लगाया शीट्स डेटा, ऐसी इसके आगे शीट्स फॉर्म लगा सकते,
कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके लेकिन ये माइक्रो रन कब होगा पहले चीज को जाने। रन होगा यहाँ एक बटन पे क्लिक करने, तो ओके बटन पे क्लिक करने के लिए फॉर्म शीट पे तो आना पड़ेगा ना। हाँ राइट राइट, ऑलरेडी फॉर्म जो शीट एक्टिव शीट है रजिस्ट्रेशन उसमें आएंगे तब वो उसको वहां का रेंज लेगा। हाँ, तो देना जरूरी नहीं है बट दे सकते हैं, ठीक ठीक है है। ओके ओके इसके बाद यहाँ पे डालते हैं 4 और C3 के जगह पे डालते हैं C6, फिर यहाँ पे अगेन डालते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ देते हैं 5 और यहाँ डालते हैं C7, सी सेवन नहीं सी सी नाइन नाइन सी नाइन, ठीक है। अब डालने के ओके बाद सारे यहाँ पे हम देते हैं यहाँ पे कि रेंज कौन सा है, C3 कॉमा C3 C6 C6 कॉमा C9 डॉट क्लियर बट क्लियर कंटेंट, फिर मैसेज बॉक्स दीजिए MSG बॉक्स डेटा हैव सेव, ठीक है। अब मैं ओके यहाँ आता हूँ माय पे डेवलपर पे और यहाँ इंसर्ट, यहाँ से बटन लिया, बटन को ड्रैग किया, माइक्रो असाइन किया एंड ओके, और यहाँ पे हमने लिखा सेंड, ये जो भी चाहते हैं डेटा ओके में आते, इसको क्लियर कर देता हूं मैं। यहां पे दिया मैंने पूजा, सिटी में दिया मैंने पुणे और अमाउंट मान दीजिए 500 सेव। बट ये आपका देखेंगे कि जीएसटी कैलकुलेट थी, तो जीएसटी के आप यहां पे मल्टीप्लाई बाई 18% कर सकते हैं क्या, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ वीडीए के थ्रू, किसके थ्रू, विवेक वीडीए। हेतु तो इसके लिए भी हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से 6 देते हैं, क्या देंगे 6, और यहाँ हम सिंपली कर देंगे C9 मल्टीप्लाई बाय 0.18, ठीक है। ओके एक बार दोबारा यहां से रन करके दिखाता हूं, पूजा पुणे फाइव, हो गया 90 आ गया। यस यस हाँ लेकिन गया सर। मैं यहां पे मैं नहीं चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पे 90 हो, मैं यहां फॉर्मूला डालना चाहता हूं 18%, ये तो कैसे करें। तो वैल्यू की हमें जगह फॉर्मूला यहां पे लिखिए। तो बट हर किसी का अलग अलग होगा ना, मैं यहां पे डायरेक्ट F2 थे लिख सकता हूं मैं यहां पे, क्योंकि यहां पे F3 होगा, यहां पे 4 होगा हाँ क्या। बराबर बराबर तो यहां हम एक काम कर सकते हैं, हम एक चीज ले सकते हैं यहां पे ए इक्वल टू हमने दिया और बोला इक्वल टू डॉट एड्रेस, तो इसकी जो सेल एड्रेस है वो डाल, ठीक है। लेकिन यहां नहीं डालना है, इसको इस लाइन से ऊपर, और फिर मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में डालूंगा इक्वल, इसके साथ कॉनकेट करूंगा ए, उसके साथ अगेन कॉनकेट करूंगा मल्टीप्लाई बाय 18%, ठीक है। स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। ओके अब एक बार करके देखते हैं मोहन दिल्ली और अमाउंट 600,
अब यहां पे आते हैं कि जीरो आया, एक गलती हो गई, ये जीरो हमने यहां पे डाला जी थ्री, तो सेकुलर डिफरेंस आ गया, यहां पे सिक्स नहीं होगा, यहां पे सिक्स नहीं होगा, यहां पे फाइव, क्योंकि फाइव है ना, इसको करना है ना, इसको कर दिया हमने ना सर, देख रहा डेटा नीचे ट्रांसफर हुआ, देख रहा, हाँ हाँ यहाँ पे डालते हैं ओम, सिटी में डालते हैं दिल्ली, और अमाउंट यहाँ डालते हैं फिक्स, आ गया 108, हाँ ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब ये तो हो गई हमारी काम, अब आपको इसमें क्या करना है, अभी क्या हुआ कि एक ही फाइल के आजू बाजू डेटा है, एक सीट में डेटा, दूसरे सीट में फॉर्म, अब आपका क्या है कि आपका डेटा एक अलग फॉर्म में, ठीक है, ओके डेटा अलग शीट पे है, फॉर्म आपका अलग शीट, डेटा अलग ओके शीट पे है और फॉर्म अलग शीट पे, अलग फाइल पे, सॉरी, मान लीजिए डी ड्राइव में अलग वर्ग आपका में, डेटा शीट, डेटा का फाइल पड़ा है, और आपका डेस्कटॉप पे पड़ा है फॉर्म का फाइल, फॉर्म में फिल करके सबमिट ओके करेंगे तो डी ड्राइव के अंदर डेटा फाइल के अंदर डेटा को सेव कर,